हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डे 5 में हम लोग थोड़ा डिफरेंट करेंगे। आज एक बर्ड का तस्वीर हम लोग बनाएंगे, आप लोग देख सकते हैं टॉप का लेफ्ट कॉर्नर में इस बर्ड को हम लोग बनाएंगे। तो मैं डायरेक्ट ग्राफ में इसका ग्राफ कैसे लूँगा। तो पहले फेस के लिए एक राउंड, जिसके राउंड बना लेके लिए पहले हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद उसका चारों एंगल से उसका कॉर्नर ऐड करके एक राउंड बनाएंगे, और उसका जो पीठ का ऊपर का जो पोजीशन है, बैक का जो पोजीशन है, उसको एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग पोजीशन लेंगे और एक ट्रायंगल बनाएंगे जो कि इसका जो बेली का जो मोटिव है, जो राउंडनेस है, उसको हम लोग एक ग्राफ में डालेंगे। और फिर उसका लेज का पोजीशन, उसका भी एक हम लोग ग्राफ को ले लेंगे। और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, और अपने बच्चे को दिखाइए। और ऐसे ही प्रैक्टिस का मेथड ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही प्रैक्टिस होना चाहिए। एक ग्राफ से एक बैलेंस को लेके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। मैं इसका अभी चोंच जो है वो बना रहा हूँ, और मेरा ग्राफ मैं एक दूसरे कलर से किया, और अभी मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा डिटेल वर्क के लिए। देखिए अभी भी ये सीरीज़ में अभी भी जो चल रहा है, अभी भी जो ड्राइंग चल रहा है, वो एकदम बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग है। ये कोई रियलिस्टिक नहीं है। एक शेप को लेके कैसे हम लोग उसको एक ड्राइंग बना सकते हैं, इसी में हम लोग अभी देख रहे हैं। तो ये कोई रियलिस्टिक नहीं है, इसका बैलेंस अच्छा होना चाहिए, इसका बैलेंस परफेक्ट होना चाहिए। बट रियलिस्टिक में नहीं जाना है हम लोगों को, थोड़ा सा कार्टून टाइप का, थोड़ा सा जो बिगिनर्स के लिए जैसे तस्वीर होता है, जैसे पेंटिंग होता है, उसी लेवल पे हम लोगों को अभी रहना है। बस शेप में ध्यान देना है, हाथ का जो मेरा रिस्ट मूवमेंट का बैलेंस है उसमें ध्यान देना है, और इसी को लेके हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ये डिटेल वर्क चल रहा है, अभी बॉडी का शेप हम लोगों का आ गया। अब नीचे का पैर का पोजीशन, उसको हम ले रहे हैं, एक बर्ड है तो डाल में बैठा हुआ है, ब्रांच में, ट्री ब्रांच में बैठा हुआ है, तो उसका जो पोजीशन है वो हम लोग लेंगे। ऐसे करके आप लोग डे बाय डे एक एक चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। मैं जो दिखा रहा हूँ सिर्फ इसको नहीं, आप लोग खुद से भी कुछ कुछ कीजिए। शेप को, जो शेप का जो मोटिव है उसको समझिए, कैसे उसको ग्राफ में हम लोग ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं डायरेक्ट फाइनल वर्क में जा रहा हूँ, और ये मैं कर रहा हूँ पेन से, ताकि आप लोगों को यो जो बोल्डनेस है, जो लाइन का जो बोल्डनेस है, वो भी समझ में आए अच्छा से वीडियो में। इसलिए मैं डायरेक्ट पेन यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इंक पेन यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जो है पेंसिल में ही रहने दे सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कलर में आएंगे, शेडिंग में आएंगे, वो तो चलता रहेगा। और सबको मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, मेरे ये चैनल बहुत अच्छा, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमको, मेरा वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, और यूज़फुल अगर होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो दूसरे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने। और मेरा जो ये वीडियो है बिगिनर्स के लिए, बच्चे के लिए, इसको देख के इस लॉकडाउन के पीरियड में जहाँ पे क्लास सब रुका हुआ है, उस हिसाब से आप लोग सीख पाइएगा वीडियो को देख के। और मेरा ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, ऑनलाइन क्लास में आप लोग बच्चे को ज्वाइन करवा सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा।
थैंक यू एंड तक वीडियो को देखने के लिए। मेरा वीडियो अभी ये पेंटिंग ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच।